बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा साजन हूं, मैं साजन तुमको, तुम सजनियों को लेने के लिए आया हूं। और कैसे लेके जाऊंगा? पलकों पर बिठा करके लेके जाऊंगा। पलक समझा, इसको पलक कहते हैं। लेकिन कब लेके जाएगा? साजन तो बिंदु है और हम 60 किलो वाला होंगे तो साजन कैसा लेके जाएगा? जब तक बिंदु नहीं बनेंगे तब तक बिंदु साजन लेके नहीं जाएगा। जब देह भान में होते हैं तो बाबा को आपकी बदबू आते है, वो आपसे दूर भागता है। बाबा को नजदीक खींचने का तरीका है आत्माभिमानी होकर के बैठो। इसलिए योग लगाने के लिए आत्माभिमानी बनना बहुत जरूरी है। आत्मा का अभ्यास, उसके लिए कल मैंने डिटेल में शायद उसके बारे में बताया था, हमें आत्मा का अभ्यास कैसे करना है। 6-7 बातें सुनाई थी, गाड़ी को गैरेज में लगाना, 7 स्वरूपों का अभ्यास, पवित्रता की धारणा, यथार्थ योग, कई बातें बताई थी। और जितना हम आत्मा का अभ्यास करेंगे आपको योग बहुत ईजी। जो आत्माभिमानी है परमात्मा उसके साथ कंबाइंड है। जो आत्माभिमानी है उसको घर याद आएगा, परमधाम याद आएगा, परमात्मा की सारी शिक्षा ही याद आएगी। जब अपने आप को भूल जाते हैं तब परमात्मा को भी भूल जाते हैं। इसलिए आत्माभिमानी बनने की धारणा करनी है। दूसरी